पहले आप खा लीजिए आप। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पकवान बनाने के लिए आए हुए महाराज। आइए बात करते हैं उनसे कि किस तरीके की खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर साधु संतों के लिए की गई है। सर अपना परिचय दे दो। हम यहाँ पे वाराणसी में गोदवलिया पे रहते हैं। प्रभाकर कुकिंग, प्रभाकर कुकिंग के नाम से हमारा है प्रभाकर कुकिंग कैटरिंग। प्रभाकर जी ये बताइए हमें कि किस तरीके के पकवान यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर हर तरह का, जैसे कि सुबह दो तरह का मीठा, और खाने में जैसे इसमें खीर मोहन चल रहा है, कल मालपुआ है, फिर मेवे की बूंदी है, मेवे की खीर है। ब्राह्मण एक अलग टीम है, उनके लिए फलाहार बन रहा है, जैसे साबूदाने की खिचड़ी हो गई और सिंघाड़े के आटा का हलवा हुआ, गरम दूध है, और जो है कि तो लोगों के बैठने की भी व्यवस्था अलग 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 सन्यासियों के लिए। हाँ, सन्यासी और महात्माओं के लिए अलग व्यवस्था है और आम जनता के लिए अलग व्यवस्था है। सन्यासियों के लिए अलग तरीके से बैठने की व्यवस्था भी की गई है, उसको घेरे में रखा गया है, किसी को इजाजत नहीं है वहाँ जाने की, और पकवानों को भी अलग तरीके से बनाया जा रहा है। अर्णव द्विवेदी, ईटीवी, वाराणसी।